बाकी ना फिलहाल अभी टाइम हो गया है 9:15 बज चुके हैं, अभी ना यहाँ से निकलने की तैयारी है, मतलब अपने रूम को चेकआउट कर रहे हैं। लेकिन यार यहाँ पे ना एक चीज मेरे को लगी है, कुछ कुछ जगह यहाँ पे ऐसी है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है। इन्हीं किसी गेट में ना मंजिली का नाती थी, मंजिली का हाथी का सिस्टम अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना। अच्छा सेटिंग ऐसे होती थी राजाओं की। ये ले 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 ले। मौसम देखो भाई, क्या कातिल सा हो रखा है, क्या खतरनाक सा मौसम हो रखा है, कुछ नहीं पता बारिश है। कल रात भी ना करीब करीब ये मान लो 2 घंटे वो तो आप बता रखी थी भाई खतरनाक वाली बारिश होने वाली, लेकिन बारिश नहीं हुई। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, कार से आया तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो अब का सीन बता तुम क्या है, अभी ना हम जाने वाले हैं जल महल, तो आ जाएंगे फिर अंबर फोर्ट जाएंगे, कोई ना कोई फोर्ट जरूर जाएंगे कि मैंने ऑलरेडी देख रखा है। बट हमारे जो जिया जी हैं और हमारे चौधरी साहब है ना, इन्होंने देखा नहीं है तो इनको भी दिखाएंगे और हम भी देखेंगे, क्योंकि पहले जब मैं आया था ना 4-5 साल पहले आया था तो बहुत कुछ चेंज था। अब पता नहीं यार कैसा और कैसा हो रखा हो, कैसा नहीं हो रखा होगा। तो अब तक का तो हमारा प्लान ये है और उसके बाद निकलेंगे हम खाटू श्याम जी की यात्रा के लिए। हमने ना सारे सिस्टम ब्लॉक कर दिए, बाकी हमारे जितने चार्ज से गैजेट्स है सब कुछ चार्ज हो गए हैं, सब कुछ फिट है, फिट एंड फोर है। अपना बस ये फ़ोन उठाना है, पॉकेट में रखना है और बैग उठा के चलना है। चलो भाई भाई ये खड़ी है अपनी वाइट टाइगर, देखो ना देखो ब्रांडिंग क्या खतरनाक सी लग रही है ना, लग रही है ना। ये अपना होटल है, होटल सिटी पैलेस लीडर, ठीक है यार बेसिक सा रूम था। चलते हैं फिलहाल अभी। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। जयपुर की सड़कों पे आपका स्वागत है। ये है अगर ट्रैफिक देखियो, रेड रेड जयपुर के भी ट्रैफिक झेल रहे आज। अब जयपुर को पिंक सिटी ऐसे ही नहीं कहा जाता, वहाँ पे सारी दुकानें सारे घर बिल्कुल गुलाबी रंग में ढके हुए थे और ये गुलाबी रंग अपने अतिथि के स्वागत के लिए दर्शाया जाता है। कहते हैं कि अगर आप जयपुर को सैटेलाइट से देखोगे तो आपको जयपुर पूरा पिंक दिखेगा। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं एमआर फोर्ट और हमारी लोकेशन से एमआर फोर्ट का डिस्टेंस है 16 किलोमीटर। अब 16 किलोमीटर ज्यादा नहीं होता है बट गूगल मैप ने दिखा दिया कि आपको 50 मिनट लगने वाले हैं। भाई जयपुर के पहाड़ों पे स्टार्टिंग, कोई नहीं हमें ना कहीं ऊपर जाना है वहीं पे कहीं, और वहीं होगा हमारा आमेर फोर्ट, जयगढ़ किला, आमेर महल, नाहरगढ़ फोर्ट, अरे सब यही है। तो अभी भी करीब करीब रह गया 2.3 किलोमीटर। अब जयपुर के पहाड़ों पे आने के बाद ऐसा फील होता है जैसे हम उत्तराखंड आ गए। हाँ बस एक कमी थी, उत्तराखंड के जो पहाड़ होते हैं वो थोड़े हरियाली होते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे बिल्कुल मट्टी वाले पहाड़ थे, मतलब गर्म पहाड़ थे। तो भाई हम पहुंच गए हैं अंबर फोर्ट, आज दिखाएंगे आपको अंबर पैलेस। तो भाई सच बता रहा हूँ यार खतरनाक सा लग रहा है। देखो तो ये नीचे लेक है और ये है ना भाई, ये है अपना अमर फोर्ट है, मैं अंबर बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या थे मुंह से निकल रहा है। ये है भाई अमर फोर्ट। क्या ना आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये भाई कबूतर ना, ये देखो कबूतर का झुंड बना पड़ा है यहाँ पे ना। ये चीज ले रखे दाना, दाना दे दो, धर्म करेंगे जी, दाना दो आप। दाना देंगे भाई, पकड़ 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 कुड़कु ले 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 ले। अब पूरा चलते हैं भाई, और मुझे पता है आगे तो टिकट विकेट सब कुछ लगेगा। मौसम हो रखा है खतरनाक, मौसम ना भाई जान डाल रखी हर चीज में। पैदल का रास्ता है ना, पैदल का तो इधर से जाना पड़ता है, 700 सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है 700 स्टेप। कोई जीप से जाएंगे तो पीछे से ओल्ड सिटी दिखाता हुआ, पुराना गांव दिखाता हुआ लेके जाएगा, और आपको पहले सबसे पहले तो स्टेप पे दिखाएगा पन्ना मीनापुर, जब का मूवी बना दबंग फिल्म, और वो के दिखाएगा। ठीक ठीक ठीक। फिर उसके बाद में किले में घूमेंगे आप, किले में आपका वेट करेगा वन आवर।
जैसे ही आप अमर फोर्ट पहुंचोगे तो बहुत सारे गाइड आपको घेर लेंगे एंड यहां पर कार की भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप ऊपर तक कार से जा सकते हो। और अगर आपको राजस्थानी टच में जाना है तो आप हाथी का भी यूज कर सकते हो। लुक ये देखो, स्टार्टिंग में अगर आप आओगे ना इस टाइप का मिलेगा। और ये यहाँ पे जाने के लिए है, प्लस ऊपर जो किला है ना यहाँ से ना हमारी स्टेयर स्टार्ट होएंगी। और ये करीब करीब है 700 सीढ़ियाँ। ये ना करीब करीब ना आपको ऐसा फील करवाएगा जैसे आप ना ताजमहल देख रहे हैं, क्योंकि ताजमहल भी ना ऐसा होता है, पीछे ताजमहल रहता है और इस साइड ना ऐसे नदी वाला टच रहता है। चेतावनी, मावठा जलाशय मगरमच्छ, मगरमच्छ भी आ गया भाई यहाँ तो। एंटर करते हो ना सबसे पहले लेफ्ट साइड आएगा, वॉशरूम आ जाएगा, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। प्लस साइड में ना एक शॉप दे रखी है, तो ऊपर जा रहे हो ना अगर आप तो यहाँ से कुछ लेके जाओगे क्योंकि ऊपर आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपको कुछ खाना पीना है तो यहाँ पे इजीली आप कर सकते हो। चलो जय माता दी। भाई लेकिन एक चीज़ है, बताऊँ क्या है भाई, रानियों की तो भाई अय्याशी होगी, सच बता रहा हूँ, रानी की तो अय्याशी होगी। अब इतना कुछ ज्ञान ले लिया है ना, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री पे लेके चलता हूँ। यहाँ का जो निर्माण हुआ था ना 1592 में हुआ था, जो बनाया था वो मानसिंह जी ने, राजा मानसिंह जी थे और जयसिंह जी थे। तो जूम करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पे मतलब इसमें ना मगरमच्छ है भाई, मगरमच्छ है। और यहाँ पे पार्क है, पता नहीं क्या करते होंगे रानियाँ, मतलब ये देखो यहाँ से भी रास्ता है और ये आपका फोर्ट है। प्लस आपको अगर कैब से आना है ना या आपको जीप से आ रहे हो तो पीछे से लेके आते हैं। ट्रेंस की बात बताऊँ ना तो ये जयपुर से पड़ेगा करीब करीब आपका 11 किलोमीटर। और यहाँ पे आने के बाद ना आपके पास बहुत सारी फैसिलिटी मतलब वो मिल जाते हैं ऊपर आने के लिए। अगर आप पैदल आना चाहो तो पैदल आ सकते हो, वरना यहाँ पे जीप चलती है प्लस हाथी वाथी सब कुछ चलता है। अच्छा पैदल जाने का रास्ता ये रहा और हाथियों के लिए ये रहा। एक चीज ना यहाँ पे बहुत ज्यादा यूनिक है, मतलब ये देखो ये टूट गया है फिलहाल अभी, बट ये महल है कोई साइड सा, बट क्या सही बन रखा होगा यार, ईंट देखो यहाँ की। हाथी का भाई देखो ना, हाथी का सिस्टम अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना, इतना बड़ा गेट। अच्छा अच्छा ये घोड़े वोड़े के लिए होगा ना, यहाँ घोड़े आते हैं भागते हुए, राजा जी राजा जी से मार दे, जान से मार दिया। ओहो हो क्या चीज है भाई, यहाँ तो बैट बॉल बड़े खेल लेंगे, यहाँ तो बैट बॉल बड़े खेल लेंगे, बैट बॉल। बहुत भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे ना। क्या कर रखा है ना, अलग अलग ना यहाँ ग्रुप्स हैं और अलग अलग गाइड हैं। कहते हैं कि आमेर किला का नाम माँ दुर्गा के अम्बा नाम पर रखा गया था। हिंदू मुगलों की वास्तविक शैली से बना यह अनोखा किला अपने आकर्षण की वजह से 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में सम्मिलित किया गया। चलिए एक बार यहाँ पे आते हैं, हो गया ना, यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या है, अलग अलग फिर लोकेशन देख लेंगे जाना कहाँ पर है। अब ये जगह तो मुझे किले से ज्यादा एक गार्डन लग रहा था, हर जगह बहुत ज्यादा भीड़ थी और इस गार्डन को देखने के लिए भी हमें पे करना पड़ रहा था। तो यहाँ किले लिखा है गाइड की फीस 1 से 4 लोगों की तो 400 रुपए, 5 से 15 600 और 15 से 35 हज़ार रुपये में गाइड की जरूरत नहीं है। यहाँ पे टिकट मिल रहा है भाई, यहाँ पे भाई टिकट की बात की जाए ना 100 रुपीज पर बंदा है, और जो 7 साल से नीचे का बंदा है उसका लगेगा नहीं। थैंक यू। अब चल रहे हैं भाई किले में, किले में
ओके यार कितनी खतरनाक भीड़ है भाई भाई चेकिंग है क्या ये फिर से बच गई ये बंदी ऐसी है ये अपनी हाइट का ना इतना फायदा उठा हुआ है बहुत ज्यादा फायदा उठाती है और का सपोर्ट वो करते हैं जिया जी भाई सही है बस ये क्या नज़ारा होगा आएगा और इन्हीं किसी गेट में ना मंजुली का नाचती थी मंजुली का आमी छे तुमा छिम 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 लेकिन यार यहाँ पे ना एक चीज़ मेरे को लगी है कुछ कुछ जगह यहाँ पे ऐसी है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है मतलब जैसे पीछे आपको एरिया दिख रहा है ना यहाँ फोटो भी अच्छा आएंगे और सब कुछ अच्छा आएगा बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे अलाउ नहीं है जाना साइड में ना ये लगा रखी है कोई रस्सी वस्सी तो का मामला समझना पड़ेगा वहाँ गेट बना रखे हैं भाई कौन से कमरे में रहती थी मैडम जी यहाँ से देखती थी भाई रानिया अच्छा सेटिंग ऐसे होती थी राजाओं की यहाँ पे रानी खड़ी होती थी और वहाँ से राजा आते थे इस टाइप से बोला था यहाँ लाइट का इशू है लेकिन यहाँ टॉयलेट होता था भाई ओहो भाई ये था भाई नहाने का सिस्टम ये पूल होगा ना टाइप पूल टाइप है ये पूल नहाने के लिए सुंदरिया नाती थी सुंदरिया नाती थी अच्छा ये गर्म पानी का है और ये ठंडे पानी का है अब चलते हैं भाई ऊपर ऊपर क्या है अरे फिर फाइनली ना हमारा अमर फोर्ट तो विजिट हो चुका है और सीरियसली बताऊँ अमेजिंग पॉइंट है अमेजिंग यार अगर आप जयपुर आ रहे हो ना तो ये चीज़ ना एक बार जरूर विजिट करो क्योंकि यार अच्छा लगता है ना पुरानी चीज़ें देखना और यूनिक तो भाई यहाँ बहुत कुछ है सच बता रहा हूँ यूनिक चीज़ें बहुत कुछ है यार यहाँ पे मतलब कारीगरी ना एक से एक है और बहुत कुछ ना ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक हमने देखी भी नहीं है और हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम उसको देख सके और क्योंकि निकलना भी है और हमें जाना है खाटू श्याम जी और उससे पहले हमें जाना है जल महल तो इस ब्लॉग को आज यही एंड करते हैं आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जब तक के लिए टिल देन बाय बाय।